मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उन्हें अब तक होश नहीं आया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर हैं। जानकारी सामने आ रही है कि उनकी सेहत में पहले से काफी सुधार है। ये जानकारी उनके भाई दीपू श्रीवास्तव ने शुक्रवार को ही दी थी, लेकिन इस बीच एक और ऐसी खबर सामने आ रही है जो लोगों को चौंका देगी। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। हाल ही में राजू श्रीवास्तव को लेकर ये जानकारी सामने आई थी कि उन्हें मुंबई के किसी अस्पताल में ट्रांसफर किया जाएगा। इस बारे में जब उनके भाई दीपू श्रीवास्तव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है, उनका इलाज एम्स में ही किया जाएगा। पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही हम उन्हें घर ले जाएंगे, हमें डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है। दीपू श्रीवास्तव ने राजू की सेहत को लेकर बताया कि भाई की सेहत में सुधार की स्पीड थोड़ी धीमी है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। राजू श्रीवास्तव धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन वो अब भी बेहोशी की हालत में ही हैं। उनके वेंटिलेटर सपोर्ट को भी अभी नहीं हटाया गया। दरअसल राजू श्रीवास्तव के ब्रेन के अपर हेड तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें होश नहीं आया। हालांकि इसका इलाज करने के लिए न्यूरोफिजियोथेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।